रेवाड़ी में एक 35 वर्षीय व्यक्ति का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस स्टेशन में जाकर हत्या की वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने लिसाना गांव के एक खंडहर मकान से कर्मवीर नाम के व्यक्ति का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कर्मवीर उर्फ पृथ्वी गांव लिसाना का रहने वाला था, जो खेतीबाड़ी का कार्यकर्ता था। शुक्रवार शाम को गांव के ही रहने वाले संजय उर्फ टिंडा के साथ कर्मवीर ने शराब पी थी। इसके बाद किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और फिर गला दबाकर कर्मवीर को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात के बाद आरोपी संजय ने खुद सदर थाना रेवाड़ी में जाकर सरेंडर किया और हत्या की वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस उसे साथ लेकर गांव लिसाना पहुंची और आरोपी की निशानदेही पर कर्मवीर के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी उन्होंने एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जाँच की जा रही है। वहीं मृतक के परिजन कह रहे हैं कि इस वारदात में 300 से ज्यादा लोग शामिल रहे हैं और उन्हें अंदेशा है कि शराब पीकर आपसी कहासुनी के चलते नहीं बल्कि साजिश रचकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बहरहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस वारदात के पीछे असल वजह क्या रही और कौन कौन इस वारदात में शामिल रहे। पृथ्वी वैसे करमवीर सन ऑफ लिल्लू है, तो ये खेती खाती का ही काम करता है। तो ये कहीं खेत में जा रहे थे, ये लोग जो ना दो तीन आदमी और बैठ करके कहीं वहाँ खा पी रहे थे और इन्होंने इसको भी बुला लिया साथ में कि भाई तू भाई आ जा, तो ये उनके साथ बैठ गया, उन्होंने खाया पिया। इनकी किस बात पे हुई ये तो अभी मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैंने उससे मिला था, संजय जो है टिंडा जिसको बोलते हैं, अभी वो पुलिस में अरेस्ट है, तो उसने कहा कि भाई हमने इसको पैर दबा के मारा, पैरों से घिट्टी से लात लगा के और ऐसे मार दिया हमने, तो फिर हमने वहाँ पर ले जाके इसको डाल दिया। कोई आपस में इनका खाने पीने के ऊपर बोला, इन्होंने गाली दे दी, इसी बात के ऊपर हमने मार दिया। गाली तो के ऊपर तो नहीं मार सकते, इनकी कोई प्लानिंग है समझे, क्या है क्या नहीं, और वजह निकल के आएगी। हाँ, और वजह कोई पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो जो ना सच्चाई है वो सामने आएगी। तीन लोगों में से एक गिरफ्तार हो गए। हाँ, तीन लोगों में से एक गिरफ्तार हो गए और दो जो है ना वो अभी लापता हो गए, अभी गई थी पुलिस, हाँ फरार है। अभी ये जो इन्वेस्टिगेट जब पुलिस करेगी तो सच्चाई सामने आएगी, हो सकता है इसमें एक दो आदमियों का और भी नाम हो, तो हम कह नहीं सकते क्योंकि किसी ने देखा है नहीं, और ले जाके खंडर में डाल दिया। वहाँ ले गए हमने, जा शाम को हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पे गए देखा, तो वहाँ पे मारा हुआ नहीं था, खंडर के अंदर कहीं मार करके बाहर से वहाँ ला के गिराया हुआ था जी, फिर वहाँ डाला गया। आरोपी संजय उर्फ टिंडा ने थाना में आके बताया कि मैंने एक आदमी की मर्डर कर दिया, जिस पर हमने उसको वापस घटनास्थल पर ले गए, तो वहाँ जयप्रकाश जी ने मुलाकात होकर एक दरखास्त पेश की, जिस पर हमने FIR 302/34 IPC में दर्ज करके और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कैसे इस घटना का अंजाम दिया? अब तक तफ्तीश में पूर्ण तथ्य सामने नहीं आए हैं। अब तक जो आरोपी ने बताया उसने कहा मैंने गला दबा के मार दिया। हाँ, ऐसा वर्णन है। सर कितने लोग शामिल? अभी तक एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।